19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का देखिए पहला चरण है और 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में कुल 102 सीटों पर मतदान होगा। 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में भी मतदान का दिन होगा। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड में मतदान का दिन। उत्तराखंड में फिलहाल चुनाव प्रचार देखिए थम चुका है, चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। मतदान के लिए बनाई गई है कुल 11,729 पोलिंग बूथ। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार तमाम पार्टियों ने किया है। अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब पूरी तरह से देखे इंतजार है 19 अप्रैल का मतदान का दिन होगा। इधर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बड़ी बात ये भी है कि देखिए पहाड़ी राज्य के कुछ बहुत ही दुर्गम स्थल है, वहां पर भी देखिए पोलिंग पार्टियां पहले से ही रवाना कर दी गई हैं, पहुंचेंगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और देखने वाली बात ये भी रहेगी कि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान को और मतदान को प्रभावित ना किया जाए, इसीलिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने निर्धारित स्थानों के लिए रवाना हो चुकी हैं, तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को लेकर खास ख्याल पोलिंग पार्टियों को लेकर और चुनाव आयोग की तरफ से रखा जा रहा है। भारी पुलिस बल तैयार किया गया है, तैनात किया गया है, ताकि चुनाव को प्रभावित ना होने दिया जाए। बड़ी बात यह भी है कि कानून व्यवस्था बनी रखे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को। अब मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। उत्तराखंड क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है, ऐसे में बड़ी बात यह है कि कुछ बहुत ही दुर्गम इलाके हैं जहां तक पहुंचना पोलिंग पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में खास इंतजाम उसके लिए भी किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नासिर, किस तरह की तैयारियां हैं मतदान को लेकर और चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से थम चुका है और क्योंकि पहाड़ी राज्य है, कुछ इलाके बहुत दुर्गम हैं, ऐसे में कितना मुश्किल होगा उन तमाम जगहों तक पहुंचना पोलिंग पार्टियों के लिए जो बड़े दुर्गम स्थान है पहाड़ी राज्य में। निर्वाचन आयोग के सब निर्देश ये थे कि 17 अप्रैल शाम 5 बजे से जो प्रचार प्रसार है उस तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 19 अप्रैल सुबह करीब 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा, जिसको लेकर के निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी। चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से तैयारियों की बात करें या फिर मतदान की तैयारियों की बात करें, तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दी गई है। 11,729 के आसपास पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें मतदान किया जाएगा। उसके लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पिछले 4 दिनों से ही रवाना होना शुरू हो गई थी और जो दुर्गम इलाके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर पोलिंग पार्टी को पहुंचने में काफी वक्त लगता है, तो ऐसे में उन पार्टियों को पहले से ही रवाना कर दिया गया था। फिलहाल पार्टियां करीब करीब अगले गंतव्य तक पहुंच गई हैं और जो पार्टियां नहीं पहुंची हैं वो कल सुबह यानी कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि परसों सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो उससे पहले ही तमाम पोलिंग पार्टी को पहुंचना है। उसके बाद हर एक पोलिंग बूथ पर तैनात जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरे पोलिंग बूथ की सुरक्षा करेंगे और सुबह करीब 19 तारीख को 7 बजे से मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शुरू चलेगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो प्रथम चरण का मतदान है उसको लेकर के उत्तराखंड में तैयारियां लगभग पूरी हो गई। 5 सीटों के लिए मतदान होना है और करीब 55 प्रत्याशी मैदान में, यानी 500 लोकसभा सीट के लिए 55 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला परसों मतपेटी में बंद हो जाएगा और फिर 4 जून को फिर मतगणना होनी है, तब तक के लिए इनको सुरक्षित रख दिया जाएगा जो मतदान होगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो पहले चरण का मतदान था उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। अब सब लोगों को इंतजार मतदान का है। 19 तारीख को सुबह 9 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। आरती, अच्छा देखिए पुलिस पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि देखिए एक तो मतदान को प्रभावित ना होने दिया जाए, कानून व्यवस्था बनी रखे, ऐसे में पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है, संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील बूथों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं नासिर? देखिए बिल्कुल, उत्तराखंड में हालांकि इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं कि कहीं पोलिंग बूथ टूट गया या पोलिंग बूथ पे इस तरह की, हालांकि कुछ संवेदनशील बूथ जरूर है जहाँ छोटे मोटे झगड़े होते रहे इसलिए उनको संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है, यानी सुरक्षा वहां पर किस तरह की कोई कमी ना रहे, किस तरह के कोई
दंगा ना हो या फिर इस तरह की पोलिंग जो होना है, जो मतदान हुए हैं उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स जो लगाई जानी थी वो डिप्लॉय कर दी गई है और जो दूसरे राज्यों से पुलिस फोर्स बुलाई जानी थी वो भी बुला ली गई है और उनकी भी तैनाती कर दी गई है। तमाम जगहों पर जो पोलिंग पार्टियां 11,729 जो बूथ बनाए गए हैं उन तमाम बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं उनके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस फोर्स भेजी जानी थी वो भी भेजी जा चुकी है। यानी अब जितने भी पोलिंग बूथ है उनको सुरक्षित कर लिया गया है जब तक कि चुनाव पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता है। जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तब पोलिंग पार्टियों के साथ जो ईवीएम मशीन है उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने तक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पोलिंग पार्टी के साथ रहेंगी और जब इनको स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाएगा उसके बाद वहां पर क्योंकि 3 लेयर सुरक्षा वहां पर रखी गई है तो उसके बाद जो मतदान की सुरक्षा के लिए जो पार्टियां जो पुलिस पार्टियां रखी गई हैं वो वहां पर सुरक्षा करेंगी। 3 लेयर में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस है और इसके अलावा जो पीएससी रखी गई इन तमाम फोर्सों को उन जगहों पर भी लगा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा होनी चाहिए थी मतदान के मद्देनजर वो पूरी कर ली गई है और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो आला अधिकारी हैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग तब तक कर करेंगे जब तक चुनाव होगा और जब तक मतगणना नहीं हो जाती। अच्छा नासिर, देखिए अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, अब किस तरह से प्रचार किया जा रहा है? देखिए आज शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था प्रचार के लिए, तमाम जो नेता हैं वो रैलियां, रोड शो और तमाम चीजें आज शाम 5 बजे तक कर सकते थे। अब जो इस तरह का प्रचार है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। यानी बिना भीड़ के नेता भी अपने एक दो लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, तमाम लोगों के घर जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है तो डोर टू डोर कैंपेन तो नेता नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अपने चुनाव की तैयारियां क्योंकि उनको भी करनी है, किन किन एजेंटों को उनको नियुक्त करना है अपने चुनाव के लिए, कहाँ कहाँ किस किस पोलिंग बूथ के बाहर अपने एजेंट को उनको बैठाना है, ये तमाम तैयारी करने में अब नेता भी तमाम जो 55 प्रत्याशी हैं वो जुट गए हैं ताकि अपने अपने चुनाव को वो मजबूत कर सके। फिलहाल कैंपेन ये माने तो पूरी तरीके से बंद हो गया है और इसके लिए जो दिशा निर्देश दिए जाने थे निर्वाचन की तरफ से वो मीडिया के लिए भी जारी कर दिए गए हैं और तमाम नेताओं के लिए भी जारी कर दिए हैं कि वो अब उसी दिशा निर्देश के साथ कामकाज करेंगे, यानी वो प्रचार उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई डोर टू डोर कैंपेन करना चाहता है तो वो जा सकता है, पर्सनली मुलाकात करके किसी से वोट मांगने की अपील कर सकता है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिएगा नासिर। इसी बीच हम दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं कि आखिर उत्तराखंड में चुनाव को लेकर फिलहाल क्या स्थिति बन रही है, ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो देखिए अजय टमटा बीजेपी तो प्रदीप टमटा कांग्रेस, अल्मोड़ा लोकसभा सीट की हम बात कर रखे हैं, आमने सामने है, सीधी टक्कर मानी जाती है। अनिल बलूनी बीजेपी, गणेश गोदियाल कांग्रेस और आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल सीट है, वार पलटवार इस पर खूब देखा गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, वीरेंद्र रावत, जी हाँ हरिद्वार लोकसभा सीट की हम बात कर रखे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। अजय भट्ट बीजेपी, प्रकाश जोशी कांग्रेस, नैनीताल लोकसभा सीट की हम बात कर रखे हैं। टिहरी लोकसभा सीट जहां से माला राज्य लक्ष्मी शाह और ज्योत सिंह कांग्रेस से हैं, आमने सामने की टक्कर है और देखिए ताबड़तोड़ प्रचार किया गया है, वार पलटवार खूब हुआ है, कहीं रैलियां की गई हैं, कहीं रोड शो किए गए हैं। अब चुनाव प्रचार का शोर जरूर थम चुका है लेकिन डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है और 19 तारीख को देखिए मतदान का दिन होगा, ऐसे में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, अपनी अपनी जीत का दावा तमाम पार्टियों ने किया है, अब सब कुछ मतदाता के हाथ में है, मतदाता को तय करना है कि आखिर किस पार्टी के पक्ष में मतदाता वोट करते हैं। तो अलग अलग सीटों पर देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें, सीधे मुकाबले की बात करें तो यहां पर सीधा सीधा मुकाबला रहता अमूमन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही गया है और लोकसभा चुनाव में खास करके दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने नजर आती हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में क्या रहता है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जहां गारंटियां दी गई हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अपने वादे किए गए हैं, कहा यह गया है कि हम न्याय करेंगे हर वर्ग के साथ। अब देखना यह होगा कि किस पार्टी के वादों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर का। नासिर देखिए हमने ताबड़तोड़ प्रचार होते हुए देखा है, हर पार्टी की तरफ से अपने वादे किए गए हैं और इस बीच प्रचार को धार देने के लिए स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। अब भले ही चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, सब कुछ अब आम जनता के हाथ में है, मतदान के दिन पर सब निर्भर करता है, ऐसे में मतदान को प्रभावित होने से रोकना ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है और अभी तक हमने देखा है कि कई जगहों पर कहीं शराब बरामद हो रखी है, कहीं करेंसी बरामद हो रखी है, पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग पर बड़ी जिम्मेदारी है कि चुनाव को किसी भी तरह से मतदान को प्रभावित ना होने दिया जाए। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं मतदान के दिन को लेकर?
बिल्कुल आपने सही कहा, जो निर्वाचन आयोग के उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है एक किसी भी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की, और साथ में इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि कहीं पर इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कहीं पर मतदान को प्रभावित करने के लिए जो छोटे नेता है वो वहां पर घुस रहे हैं, किस तरह की चीजें सामने रहती है। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए जो निर्वाचन आयोग है और साथ ही साथ जो पुलिस विभाग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस विभाग ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के जहां जहां सुरक्षा तय करनी थी वहां सुरक्षा तय कर ली है, और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर उन जगहों पर कर दी गई है। लेकिन चूंकि जो आने वाले दो दिन है यानी आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, ये जो तीन है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि चुनाव प्रचार अब थम गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे तरीकों से भी कहीं ना कहीं वोटरों को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो शराब बांटने की बात कही जा रही हो या पैसा बांटने की बात कही जाती रही हो, इसका एक बड़ा डर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के सामने भी बना रहता है और पुलिस विभाग के सामने भी बना रहता है कि कहीं ना कहीं वोटरों को इस तरीके से प्रभावित किया जाए। और ये अक्सर अमूमन देखा भी गया है कि ऐसी चीजें छुटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहती, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अपने जो आसपास के नेता हैं उनसे शराब की डिमांड कुछ वोटर्स करते हैं, कभी कुछ वोटरों को लालच देने के लिए शराब या पैसा बांटने का काम किया जाता है। तो इस तरह की चीजें अक्सर किसी भी चुनाव में देखने को मिलती है। अब ऐसे में ये इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की जो इन्वॉल्व हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के कंधों पर आ जाती है, पुलिस के कंधों पर आ जाती है। अब हर गांव हर घर में पहुंच पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इसको रोकने के लिए अगले दो दिनों तक गश्त पुलिस को करना होगा, निर्वाचन आयोग की टीमों को तमाम जगहों पर निरीक्षण करना होगा ताकि इन तमाम चीजों को रोका जा सके। और इसके लिए चूंकि एक डायरेक्शन भी निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया कि इस तरह की जो लिप्त पाए जाते हैं लोग उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है किस तरह की कार्रवाई निर्वाचन आयोग करता है और पुलिस की तरफ से की जाती है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने साफ किया था कि इस तरह के चुनाव में कोई भी कहीं भी अगर शराब बांटता पकड़ा जाता है या किसी के पास कैश या नकद पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरह की कार्रवाई निर्वाचन आयोग करता है, पुलिस करती है। चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई के। तो चुनावों को लेकर देखिए खास तैयारियां कर ली गई।